दोस्तों ये कहानी है उन पैसेंजर्स की जिन्होंने प्लेन क्रैश के बाद 72 दिन तक एंडीज की इन बर्फीली पहाड़ियों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। ये पैसेंजर्स एंडीज माउंटेन रेंज में 11,500 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके थे जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। ना तो इनके पास प्रॉपर खाना था और ना ही इस तापमान में ठंड से बचने के लिए कपड़े थे। और आखिर क्या कारण था कि इन पैसेंजर्स को मृत घोषित कर इनका सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में यूरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 की पूरी कहानी। दोस्तों एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। साउथ अमेरिका में 8,900 किलोमीटर लंबी एंडीज की ये पहाड़ियाँ हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो साउथ अमेरिका में 7 देशों में फैली हुई है। ये बात है 12 अक्टूबर साल 1972 की। साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर प्लेन टेक ऑफ करता है चिली देश की राजधानी सांटियागो के लिए। इस चार्टर प्लेन में बैठे हैं यूरुग्वे देश के रग्बी प्लेयर्स और उनके परिवार के सदस्य। दोस्तों चार्टर प्लेन वो प्लेन होते हैं जो किसी विशेष यात्रा के लिए किराए पर लिए जाते हैं। टोटल में 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे इस प्लेन में। लेकिन 12 अक्टूबर के दिन एंडीज की इन पहाड़ियों में तूफान आता है। मौसम की खराबी के चलते प्लेन के पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो आज के दिन अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में ही रुक जाएंगे। अगला दिन यानी 13 अक्टूबर ये प्लेन दोबारा मेंडोजा शहर से टेक ऑफ करता है। अब 12 अक्टूबर के दिन हुए मौसम की खराबी के चलते प्लेन के पायलट्स को अपना प्लेन रूट बदलना पड़ता है। उन्होंने डिसाइड किया कि प्लेन मेंडोजा के साउथ से एंडीज की इन खतरनाक पहाड़ियों को पार करेगा और सांटियागो पहुंचेगा। ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब था और मौसम भी साफ था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अभी भी वो एंडीज की इन खतरनाक पहाड़ियों में ही था और थोड़े ही देर में घने बादलों और बर्फीले तूफानों के बीच ये प्लेन अपना रास्ता खो बैठता है। पायलट ने प्लेन को पहाड़ों के बीच से गुजारने की कोशिश की लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। प्लेन बर्फ से ढकी एक बड़ी चट्टान से टकराता है। प्लेन का पिछला और लेफ्ट हिस्सा प्लेन से टूटकर अलग हो जाता है। अब प्लेन का आगे का हिस्सा बचता है जो सीधा नीचे गिरते हुए एक ग्लेशियर से टकराता है। इस क्रैश में प्लेन के दोनों पायलट समेत 12 लोग मारे जाते हैं लेकिन 33 लोग अभी भी जिंदा थे। और इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि ये लोग एंडीज की जिस पहाड़ी पर क्रैश हुए वो 3,800 मीटर ऊंची थी और वो जगह इंसानी बस्ती से कोसों दूर थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। दूसरी तरफ इस प्लेन क्रैश की खबर चिलियन रेस्क्यू सर्विस को मिल चुकी थी। यूरुग्वे, अर्जेंटीना और चिलियन एयरफोर्स के 11 एयरक्राफ्ट ने 8 दिन तक फ्लाइट 571 को ढूंढने में गुजार दिए। इन 8 दिनों में इनको ना तो कोई प्लेन नजर आया और ना ही प्लेन का मलबा, और इसके कारण 142 आवर्स चले इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। सफेद बर्फ में प्लेन की सफेद बॉडी किसी को नजर नहीं आई। और इधर पैसेंजर्स ने प्लेन में मौजूद सूटकेस को इकट्ठा किया ताकि बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बनाया जा सके और साथ ही प्लेन पर SOS का निशान बनाया ताकि अगर कोई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे तो उनकी नजर उन पर पड़ सके। इन 8 दिनों में उनके ऊपर से कुछ रेस्क्यू प्लेन गुजरते हैं लेकिन एक की भी नजर उन पर नहीं पड़ती। दिन पर दिन बीतते गए। इन पैसेंजर्स ने कई दिनों तक इंतजार किया कि शायद कोई उन्हें बचाने आएगा। क्रैश के 11वें दिन प्लेन के मलबे में उन्हें एक रेडियो मिलता है। उसी पर वो ये खबर सुनते हैं कि उनका सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। क्रैश के शुरुआती दिनों में 5 और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है सीरियस इंजरीज के चलते। अब क्रैश साइट पर सिर्फ 28 पैसेंजर्स बचे थे। इन्होंने प्लेन के मलबे, सीटों और बर्फ का इस्तेमाल किया ताकि ठंड से बचने के लिए प्लेन को चारों तरफ से बंद किया जा सके। दिनों के साथ हफ्ते बीतते जाते हैं। पानी तो बर्फ को पिघलाकर मिल गया लेकिन खाना तेजी से खत्म होने लगा। 3,800 मीटर की ऊंचाई पर ना तो कोई पेड़ पौधे थे और ना ही कोई जानवर जिसे मारकर खाया जा सके। और कई दिनों बाद जब खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था तो बचे हुए लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने इस में मारे गए अपने साथियों के शरीर को खाने का फैसला लिया क्योंकि उनके सामने जिंदा रहने का कोई और ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अभी भी मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्रैश के 17वें दिन ऊपर की पहाड़ियों से बर्फ इतनी तेजी से गिरती है कि इस हादसे में 9 सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। पूरा का पूरा प्लेन बर्फ में दब चुका था। बचे हुए 19 लोगों ने बर्फ को हटाकर अपने आप को किसी तरह बचाया और अब जाकर इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ रहेंगे तो एंडीज की इन बर्फीली पहाड़ियों में एक एक करके मारे जाएंगे। मौत का इंतजार करने से अच्छा कि यहाँ से बाहर निकलकर मदद ढूंढी जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, केवल 3 को छोड़कर, पराडो, केनेसा और विजेंटिन। ये 3 लोग उनकी अपेक्षा कम चोटिल थे और इन 3 लोगों ने एंडीज इन पहाड़ियों को पार करके मदद लाने का फैसला लिया। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इनके पास ना तो पहाड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस था और ना ही इनके पास क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स थे। इन्होंने हाथ से बनाए गए स्लीपिंग बैग्स और शूज तथा सीटों से बनाए गए कपड़ों का इस्तेमाल किया ठंड से बचने के लिए। क्रैश के 60वें दिन ये चलना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन चलने के बाद विजेंटिन को वापस लौटना पड़ा खाने की कमी के कारण। पराडो और केनेसा उम्मीद के बल आगे बढ़ते रहे। 4th दिन, 5वां दिन और फाइनली 10 दिन चलने के बाद ये दोनों एंडीज की इन बर्फीली पहाड़ियों से बाहर निकलते हैं। इन 10 दिनों में बिना किसी नक्शे और कंपस के इन्होंने 61 किलोमीटर पैदल चला था। दोनों में ताकत का एक कतरा नहीं बचा था और दोनों थक कर वहीं लेट गए, आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी एक आवाज आती है, उम्मीद की आवाज। दोनों ने आंखें खोलकर देखा तो घोड़े के साथ कुछ आदमी थे। असल में वो लोग चिली देश के
किसान थे और वो उनकी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन किसानों को किसी तरह बताया कि हमें मदद की जरूरत है, मेरे घायल साथी प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद हैं। और जब उन किसानों ने ये बात जाकर अधिकारियों को बताई कि आज से 2 महीने पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, ये जानकर वो चौंक जाते हैं। उन्हें ये जानकर यकीन नहीं होता। पराडो और केनेसा के साथ तुरंत 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रवाना किए जाते हैं और क्रैश के बहत्तरवें दिन यानी 22 दिसंबर साल 1972 को 16 सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है। ये 16 लोग 72 दिन तक एंडीज की इन खतरनाक पहाड़ियों में जिंदा रहे थे। पूरी दुनिया में इस खबर ने हलचल मचा दी, लोगों की नजर में वो हीरो थे। और दोस्तों, सर्वाइवल की ये कहानी हमें याद दिलाती है इंसानी साहस, संघर्ष और उम्मीद की। फ्लाइट 571 के पैसेंजर्स ने ये साबित किया कि इंसानी आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।